चाउमीन की दुकान चलाने वाले इस युवक ने कर दिया कमाल। 3 कांस्य पदक जीतकर पूरे भारत में किया दुमका का नाम। अब करेगा भारत का प्रतिनिधित्व स्वीडन में, करेगा कमाल और धमाल। नमस्कार जोहार, आप मैं आपका जोहार और आप देख रहे हैं जोहार न्यूज। दुमका का एक युवा जो चलाता है चाउमीन दुकान और जिन्होंने किया है दुमका का नाम रोशन राष्ट्रीय स्तर पर, जानेंगे सतीश जी से कि उनका जो ये सफर पुणे में रहा कैसा रहा। अब वो जा रहे हैं पूरे भारत का प्रतिनिधित्व विश्व स्तर पर करने के लिए स्वीडन जो जाएंगे अगस्त में। शुरुआत इन्होंने कब से की थी, कैसा रहा और पुणे में क्या कुछ हुआ, पूरी जानकारी हम सतीश जी से ले रहे हैं। छोटा सा दुकान चलाते हैं, चाउमीन दुकान चलाते हैं जहाँ एग रोल वगैरह सभी चीजें रखते हैं। तमाम चीजों पर हम बात करेंगे पहले सतीश जी से। तो सतीश जी ये बताइए कि आप पुणे खेलने गए थे, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे जोहार न्यूज पे। तो ये बताइए कि सबसे पहले कि आप जो पुणे खेलने गए कैसा रहा वहाँ पर अनुभव, खेल और अनुभव? तो बहुत अच्छा रहा सर। पहले जाने से पहले थोड़ा सा डर टाइप का लग रहा था कि नेशनल गेम है, क्या होगा नहीं होगा। काफी लंबा गैप हो गया था बीच में, आप खेलने नहीं जा रहे थे। बहुत सारा बहुत लंबा गैप हो गया था। मोटामोटी हमको लग रहा है कि 2003 में हम गेम छोड़ चुके थे, लेकिन घर वाला फिर बोला कि गेम छोड़ दिया है, क्यों छोड़ा, इतना अच्छा दौड़ता है, फिर से स्टार्ट करो। तो फिर से लगातार प्रैक्टिस चालू रखे। अगला साल हम गए थे खेलने के लिए कलकत्ता, लेकिन वहाँ पोजीशन मेरा नहीं रहा, नेशनल नहीं खेलने गए थे, लेकिन अगला बार पोजीशन नहीं रहा। तो वहीं से हम ठान लिए कि अगला बार हमको कहीं भी हो वहाँ मेडल जरूर लाना है। इसके लिए मैं बहुत सुबह 4 बजे उठता हूँ और कड़ी मेहनत करता हूँ, कम से 1.5 से 2 घंटा फील्ड में पसीना बहाता हूँ, कभी पहाड़ में, कभी नदी में, कभी रोड में, यही मेरा रूटीन है। और इसी तरह मैं प्रत्येक दिन अभी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। दुकान की जो शुरुआत की चाउमीन का, एग रोल वगैरह बेचते, ये शुरुआत दुकान कब से आप चला रहे हैं? ये मेरा सर 2005 से मैं स्टार्ट किया हूँ ये दुकान, क्योंकि हमको तो था मन की जॉब करें, लेकिन जॉब नहीं हो पाया। इसलिए नहीं हो पाया कि मैं थोड़ा हाइट से नाटा था, इसी कारण तो कुछ नहीं हो पाया। तो लास्ट में मैं अपना दुकान किया चाउमीन और एग रोल का, लेकिन हमको जाने का मन था डिफेंस में, लेकिन डिफेंस में नहीं हो पाया इतना खिलाड़ी होने के बाद भी। देखिए, बहुत बड़ी बात है दुमका वासियों के लिए कि दुमका का एक युवा जो चाउमीन दुकान चला रहा है अब पूरे भारत का प्रतिनिधित्व विश्व स्तर पर करेगा, स्वीडन खेलने जाएगा। आपको उम्मीद था कि आप जाइएगा? नहीं, आज तक खिलाड़ी का एक सपना रहता है, खिलाड़ी जो भी शुरुआत करता है खिलाड़ी का सपना रहता है कि ओलंपिक खेले। ये बहुत बड़ा उपलब्धि है खिलाड़ी के लिए कि एक बार जरूर वो ओलंपिक खेले, और ये मेरा हासिल 2 साल के दरमियान ही हमको हासिल मिल गया। इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ, मैं बता नहीं सकता हूँ कितना खुश। तो स्वीडन जो खेलने जा रहे हैं आप, कब जा रहे हैं? 13 अगस्त को निकल यहाँ से, 13 तारीख से, 13 से 25 तक हम लोग को वहाँ पर गेम होगा। इससे चलते हम लोग पहले ही निकलना पड़ेगा। तो आप जो पुणे खेलने के लिए गए तो वहाँ पर किस टाइप का गेम रहा, कितना मीटर का दौड़ रहा, उसमें क्या आपने लाया उसको बताइए। मैं 3 इवेंट में भाग लिया था, एक 5000 मीटर, 1500 मीटर और स्टेपल चेस जो पानी वाला बाधा दौड़ होता है उसमें। तो 5000 में भी मैंने 3rd पोजीशन लाया, झारखंड को दिलाया पदक, और 1500 मीटर में भी मेरा 3rd पोजीशन रहा, और स्टेपल चेस में भी मेरा 3rd पोजीशन रहा। एकमात्र 3 पदक दिलाने वाला हम ही झारखंड से रहे। कितने लोग गए थे आप लोग झारखंड? वो टोटल ऑल इंडिया गेम था वो। झारखंड से आप लोग कितने? झारखंड से हम लोग टोटल 60 आदमी गए थे, लड़का लड़की मिला के। तो 60 लोगों में से आपका 3rd पोजीशन रहा पूरे इंडिया लेवल पे। हाँ, कितना खुशी लगा जब? बहुत खुशी रहा, कि हम बता नहीं सकते कि कितना हम उमंग भरी है। लेकिन इसमें सर एक बात है कि इसमें बताया जा रहा है कि खर्चा अपना जाने का, लेकिन ये यदि अपना खर्चा जाना पड़ा तो मैं स्वीडन नहीं जा पाऊंगा। स्वीडन अपना खर्चा जाना है? हाँ, तो मैं नहीं जा पाऊंगा। इसके कारण मैंने एक नेताजी है महेश राम चंद्रवंशी, मैंने उस पर ये प्रस्ताव रखा कि सर ऐसा सा बात है, सो मेरा तो सिलेक्शन हो चुका है लेकिन मैं अपना खर्चा से नहीं जा पाऊंगा और सरकार कुछ मदद नहीं कर रही है। तो उन्होंने कहा कि तुम इसके लिए तुम टेंशन मत लो, चाहे कहीं से भी हो, तुमको चंदा लगे, कुछ भी करना पड़े, कहीं से नेता जाना पड़े, हम सारा पैसा खर्चा हम तुमको उठा के देंगे और तुमको ढोल नगाड़ा और बाजा के साथ हम यहाँ विदा करेंगे। ये मैंने महेश राम चंद्रवंशी जो कांग्रेस के जिला अध्यक्ष, उन्होंने हमें आश्वासन दिए कि तुमको जाना है और तुमको दिल में ठान लेके जाना है। खर्चा यदि अपना लगे तो सर मैं नहीं जा पाऊंगा, क्योंकि छोटा मोटा चाउमीन दुकान करते हैं। और कितने परिवार में लोग हैं आपका बाल बच्चे? मेरे परिवार में मम्मी पापा हैं और मेरा 2 बेटी है, एक बड़ी बेटी कॉलेज में पढ़ती है,
और एक छोटी वाली 8 में पढ़ती है। मेरी वाइफ हाउसवाइफ है लेकिन जाने की इच्छा है, पैसे की कमी हो जा रही है। हाँ, पैसे का अड़ंगा सबसे ज्यादा पैसे का कमी है। अगर अमूमन क्या खर्च पड़ जाता होगा शूटिंग? लगभग वहाँ का बताया गया कि कम से कम लगभग 3 लाख रुपए आने जाने का 3 लाख किराया। लेकिन आप भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे तो सरकार की तरफ से कोई सपोर्ट? ये मास्टर गेम है, इसमें बताया जाता है कि शायद नहीं दिया जाता है या क्या बात है नहीं बता सकते हम। लेकिन झारखंड सरकार से कोई लोग आए कि नहीं? अभी तक हमको कहीं भी सम्मानित भी नहीं किया गया, सिर्फ मेरे क्लब द्वारा हमारे सर जी और स्टूडेंट जो थे वो सम्मानित किया गया, और एक भिकमपुर में जो है चलाता है देवेंद्र टूडू, वो हमने सोल देके हमको सम्मानित किया। अभी तक हमको दो ही जगह सम्मानित मिला, और जिला प्रशासन की ओर से, और जिला प्रशासन और अभी नहीं कुछ मिला है। लेकिन यहाँ के जो DSS है, एक बार आए थे यहाँ दुकान, बोला था मेरी तरफ से तुमको गिफ्ट रहेगा, लेकिन अभी तक वो गिफ्ट भी नहीं मिला है। तो ये जो पूना में जो गेम हो, उस गेम का क्या नाम था? झारखंड वो था सर, नेशनल गेम था वो। तो उसका कौन ऑर्गेनाइज करवाते हैं? वो सरकार ही तो करवाते होंगे। हाँ, वो मास्टर का एक अलग एसोसिएशन होता है, वो एसोसिएशन करवाते हैं। वो हर साल वो होते हैं, पहले डिस्ट्रिक्ट में करवाते हैं, इसके बाद स्टेट करवाते हैं। जो जो स्टेट में सेलेक्ट होते हैं उसको नेशनल में मौका मिलता है जाने। जो नेशनल में किए वो एक बार एशिया, एक बार वर्ल्ड। तो अब स्वीडन अब जा रहे हैं? अभी हम स्वीडन जा रहे हैं। अच्छा, ये जो स्पोर्ट्स के प्रति जो आपका रुचि रहा, कब से रुचि? सर हम मैट्रिक के समय से ही हमको रुचि रहा, क्योंकि हम जब भी देखते थे कि लड़का लोग यहाँ जाता है वहाँ जाता है प्राइज जीतता है, तो मन में एक अलग सा ये होता था कि शायद हम भी यहाँ रहते तो हमको भी एक मेडल मिलता। उसी समय से मैंने ठान लिया कि नहीं, हमको भी एथलेटिक करना है। अच्छा, इस उम्र में पहुंच गए हैं, लेकिन लगातार आपका जो प्रैक्टिस है वो भी जारी है। सुबह से प्रैक्टिस करते हैं, फिर दुकान आते हैं, और अब स्वीडन में सिलेक्शन हुआ स्वीडन खेलने जाने के लिए। लोग तो बधाई दे ही रहे होंगे। हाँ, बधाई सोशल मीडिया में बहुत तरह बधाई मिला, लेकिन ये कोई आके दुकान में आके ये कोई बधाई ऐसा नहीं मिला। सोशल मीडिया में तो बहुत बधाई मिला। खिलाड़ी के तौर पे वो कसक जो दिल में है वो रह जाती है, बहुत रह जाती है, चोट भी लगता होगा। हाँ। तो क्या आप क्या इच्छा है कि लोग आप तक पहुंचे, आपकी मदद करें, ताकि आप स्वीडन जाएं, भारत का नाम रोशन करें, दुमका का नाम रोशन करें? हाँ। ये तो उम्मीद है कि मदद करेगा दुमका का वासी, और हमको पूरा भरोसा है कि दुमका के वासी मदद करेगा और हमको यहाँ से स्वीडन भेजेगा खेलने के लिए। और हमको भी बहुत इच्छा है जाने का, ये यदि इच्छा नहीं पूरा हुआ तो फिर ये खिलाड़ी का वर्ल्ड खेलने का सपना चकनाचूर हो जाएगा। एक आम युवा जो एक चौमिन दुकान चलाता है दुमका के पोखरा चौक पर, और हाल ही में पुणे में एक टूर्नामेंट हुआ जिससे 3 मेडल, तीसरे पोजिशन रहा, झारखंड से 60 लोग गए हुए थे, इसमें झारखंड का इन्होंने प्रतिनिधित्व किया था 60 लोगों में से, जिसका इसका तीसरा पोजीशन रहा। अब ये भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए स्वीडन जा रहे हैं, लेकिन समस्या और कसक जो दिल में बोले वो है कि अभी तक मदद करने के लिए सतीश भाई के पास कोई भी नहीं पहुंचा है, लेकिन इनकी भी इच्छाएं हैं कि वो स्वीडन जाए खेलने के लिए। यदि आप खबर, आप लोग में से कोई खबर देख रहे हैं, यदि आपकी इच्छा है कि आप सतीश भाई की मदद करना चाहते हैं, तो आइए सतीश भाई से मिलने के लिए, इनकी थोड़ी मदद करें, ताकि आपका दुमका का नाम पूरे विश्व स्तर पर जाना जाए दुमका क्या है। और सतीश भाई का जो लगन है, लगातार इस उम्र में एक चौमिन दुकान चलाते हैं, एग रोल का दुकान चलाते हैं, लगातार सुबह से प्रैक्टिस करते हैं, और इनका लगन का ही वो नतीजा है कि उन्होंने झारखंड का प्रतिनिधित्व करते हुए 3 मेडल दुमका के लिए लाया, और अब भारत के लिए वो स्वीडन खेलने के लिए जा रहे हैं। तो आइए सतीश भाई को जानिए, नजदीक से जानिए कि आखिर कौन है सतीश चौरसिया, एक छोटा सा युवा, एक छोटी सी दुकान चलाता है, लेकिन इनकी उपलब्धि, इनका काम, जब इनके दुकान पर आएंगे तो चारों तरफ टांगा हुआ वो मेडल, वो कप, वो सर्टिफिकेट से अंदाजा लगाएंगे कि ये एक प्रतिभाशाली खिलाड़ी रह चुके हैं, और अभी भी इसके अंदर में वही प्रतिभा छिपी हुई है जिस प्रतिभा का कायल सभी लोग होते हैं।